आप सभी का स्वागत है EIS एजुकेशन में और आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यूपी स्कॉलरशिप की जितने भी स्टूडेंट ने फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं तो फॉर्म अप्लाई हो जाने के बाद छात्रों को इस बात का इंतजार है कि वो अपने स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं, क्या वो अभी स्टेटस चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय अगर छात्र छात्राओं से अगर कोई गलती हो चुकी है तो वो किस तरह से उसमें करेक्शन कर सकते हैं, किस तरह से सुधार कर सकते हैं, तो इस तरह के जितने भी सवाल इस वक्त आप सभी लोगों के मन में है उन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए आप वीडियो पूरा देखिए। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल होते तो आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके रखें, क्योंकि जो भी शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो आप सभी लोगों को दी जाती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो सबसे पहली बात आती है कि आप अपने स्टेटस को अभी चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और आप अपने स्टेटस को अगर अभी डेट जारी नहीं हुआ है तो आप कब से अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यूपी स्कॉलरशिप की जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, जो भी स्टेटस होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से आके चेक करते हैं। तो यहाँ पे जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे अप्लीकेशन जो स्टेटस जो है वो 2017-18 का है, 2018-19 का है, 2019-20 का है, लेकिन अभी 2020-21 का जो अप्लीकेशन स्टेटस है वो अभी जारी नहीं किया गया है। तो अगर ये अभी तक स्टेटस जारी नहीं हुआ है तो कब तक आपके स्टेटस जारी हो जाएंगे, तो ये जो स्टेटस जो है वो आप 26 तारीख के बाद से आप चेक करना शुरू कर सकते हैं। 26 तारीख के बाद से यहाँ पे वो ऑप्शन आ जाएगी जहाँ से आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। जब आप अपने स्टेटस को चेक कर लेते हैं, फॉर्म में कोई गलती होती है या आपको पहले से पता है कि आपके फॉर्म में कुछ गलती हो चुकी है, आपको उसे सुधारना है, तो करेक्शन की जो डेट होगी वो 1 फरवरी से आप जो है करेक्शन फॉर्म में कर सकते हैं। यानी कि स्टेटस जो आप चेक कर सकते हैं वो 26 जनवरी के बाद से यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आ जाएगा जहाँ से आप क्लिक करके उसको आप चेक कर सकते हैं। और जो फॉर्म में जो करेक्शन है वो आप 1 फरवरी के बाद से आप करेक्शन जो है फॉर्म में कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर स्टेटस जब जारी हो जाएगा तो किस तरह से आपको चेक करना है, तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लीकेशन स्टेटस 2019-20 लिखा हुआ है, तो इसी तरह से यहाँ पे 2020 और 2021 लिखा हुआ आएगा, आपको वहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन संख्या देना होता है, डेट ऑफ बर्थ देना होता है और सर्च कर देते हैं, जिसके बाद से जो आपकी स्टेटस होती है वो जारी हो जाती है। आप उसमें कोई भी गलती होती है, क्या क्या पूरी बातें सही हैं, आपकी जो भी बैंक डिटेल्स होते हैं वो पूरी जानकारी आपको टिक करके आ जाती है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपके फॉर्म में कोई गलती है या नहीं है, या फ्री जानकारी जो आपने दी वो पूरी तरह से सही है। तो इस तरह से आप अपनी स्कॉलरशिप स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। और जब स्कॉलरशिप स्टेटस की जब ऑप्शन आ जाएगा तो उसके बाद भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल यहाँ पे आपको बताया गया कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं जब स्टेटस वाला जब ऑप्शन जब आ जाएगा, तो 2020 और 21 के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो डेट है उस डेट पे जारी हो जाएगी। तो आप अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जैसे कोई और भी जानकारी है कि आप सभी लोगों को दी जाएगी, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।